नेक्स्ट नंबर है सिक्स यानी जो वीनस का नंबर आता है वीनस तो हमारा लग्जरीज़ का कारक होता है अगर किसी को लग्जरीज चाहिए उसका वीनस ना बहुत अच्छा होना ज़रूरी है बट कोई बात नहीं अगर अच्छा नहीं भी है आप क्या कर सकते हो स्पॉन्जी रसगुल्ले होते हैं वाइट वाले hmm. वो फ्राइडे वाले दिन आपको डोनेट करने हैं लोगों को जितना ज़्यादा उसको डोनेट करोगे आपको डिफरेंस आपको अपने आप दिख जाएगा क्योंकि वीनस आपका कहीं ना कहीं शाइनी वाइटिश बहुत ज़्यादा जो चमकने वाली चीज होती है क्योंकि स्पॉन्जरस गुला बहुत चमकता है तो आप उसको कहीं ना कहीं डोनेट करो फ्राइडे वाले दिन आपको दिखेगा कि हाँ वीनस में आपको कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर लग्जरीज और बढ़ रही है और वीनस देखो वीनस अगर आपको अच्छा करना है यू हैव टू रिस्पेक्ट योर फीमेल यानी योर वाइफ योर गर्लफ्रेंड एनी जो भी फीमेल है ठीक है मून अच्छा करना होता है तो मदर की बहुत आपको अगर डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी है लाइफ के अंदर चीजें चाहिए ठीक है लिक्विड कैश क्योंकि मून होता है तो मदर की जितनी ज़्यादा सेवा करोगे लिक्विड कैश लाइफ के अंदर उतना बढ़ेगा तो अब अब हम थे वीनस के ऊपर तो वीनस के अंदर अगर बढ़ाना है तो परफ्यूम गिफ्ट करो फ्रेंड है तो परफ्यूम गिफ्ट करो नहीं तो किसी भी फीमेल को आप परफ्यूम दे सकते हो ठीक है तो उससे और अगर वीनस ख़राब होता है ना तो किडनी का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट देखा गया है या सेक्शुअल ऑर्गन से कोई ना कोई रिलेटेड डिजीज़ ना इंसान को लग जाता है तो इसलिए ये डोनेशंस करो काफ़ी अच्छा मतलब इसका इफ़ेक्ट रहता है ठीक है नेक्स्ट इस केतु ठीक है अब केतु किस लिए अब केतु होता है हमारे जॉइंट्स भी होते हैं तो ज़्यादा अगर केतु का नंबर सेवन 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 अगर आपका ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस केस के अंदर आप जो आलमंड्स होते हैं ना ठीक है उनकी डोनेशन करो हुँ. तो वो कहीं ना कहीं पर आपको अच्छा इफेक्ट देने लग जाएंगे आपको ये करना है आप ये ट्यूजडे वाले दिन करो ठीक है तो बहुत उसके भी आपको इफेक्ट्स अच्छे दिखने लग जाएंगे क्योंकि जब केतु ज़्यादा होने लग जाता था तो समटाइम्स पीपल गेट मैड Hmm. कि वो एक ही चीज में घुस जाते हैं दैट्स गुड कि आप अपनी hmm. रिसर्च कर रहे हो बट कहीं ना कहीं इट मेक्स यू मैड कि आप टोटली एक चीज में बहुत पागल हो रहे हो आप आइसोलेट हो जाते तो हो कई बार केतु जब ज्यादा हो जाता है ना इंसान ना अपने आप को ना बहुत ज्यादा आइसोलेट कर लेता है hmm. पूरी दुनिया से hmm. तो इसलिए वो चीजें ना हो कि आप आइसोलेट ना करो तो उसलिए आप आलमंस डोनेट करो आपके जॉइंट्स में इश्यू आ जाएंगे क्योंकि सेवन ज्यादा होगा तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो आलमंस डोनेट करो नेक्स्ट है सैटन ठीक है तो इट्स बेसिकली नंबर एट इनिटी का साइन ठीक है तो इस केस में क्या करना होता है कि जब सैटर्न का अब सैटन में भी यही केस है जो राहु के अंदर था कि अगर इवन होगा एट नंबर से डबल टू टाइम्स एट आ गया फोर टाइम्स एट आ गया तो दैट्स फाइन बट अगर ऑड के अंदर एट आपका रिपीट हो रहा है तो दैट्स बैड तो उस केस में क्या करना है बेसिकली सैटर्न होता है हमारी लेबर ठीक है जो भी कंस्ट्रक्शन साइड पे काम कर रही है जो मेहनत का काम कर रही है ठीक है उनको आप कुछ भी खिलाओ कुछ भी पिलाओ मैं तो कहती हूँ आप उनको जूते दे सकते हो लेदर के तो वो सारी चीज़ें सैटरडे को दो और सनसेट के बाद दो क्योंकि शनि की रेमेडी हमेशा सनसेट के बाद ही होती है तो इसीलिए अब उनको दो तो आपका सैटर्न भी कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा नाइन रहेगा <laughs> जिसके बारे में भी इतनी बात करी है ठीक है तो देखो अब जब आपका नॉर्मल लाइन आए ठीक है बट अगर वो रिपीट हो रहा है बार बार चीज नाइन बढ़ता जा रहा है तो आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाएगी Hmm. अब उस केस में क्या करना आपको ना शेड लगवानी है कहीं पर. Okay. ठीक है? कहीं पर पर ठीक है भी आप शेड लगवा सकते हो मंगल का बहुत अच्छा उपाय है कहीं पर भी शेड की जरूरत हो किसी को तो आप वहां शेड लगवाओ या आप जो दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप ना लाल रंग की चीजें डोनेट करो रेड मिर्ची हो गई लाल टमाटर हो गए क्योंकि जो भी रेड कलर की चीज़ है आप उन सब चीज़ों को ना डोनेट कर सकते हो तो वो उसकी मंगल के एनर मंगल की जो उपाय हैं वो काफ़ी अच्छा मतलब आपको रिज़ल्ट देंगे क्योंकि मंगल की एनर्जी ज़्यादा बढ़ना भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा जो भी आपने अगर मतलब मैं आपको बताऊँ तो जो भी टेररिस्ट होता है या मर्डरर होता है ना उसका मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर ना एक फियर खत्म हो जाता है क्योंकि मंगल हमारा पर्टिकुलरली ना वो होता है खून होता है ठीक है तो वो जो मर्डर करते हैं तो उसमें खून तो निकलता ही है ठीक है जो भी आ, सारे जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं खून तो वो करते ही हैं तो इसी वजह से उनके अंदर मंगल की एनर्जी ना और राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो इनको बैलेंस आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए डोनेशंस करो ट्यूसडे वाले दिन तो काफी फर्क पड़ता है